हेलो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में वॉइस चेंज का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाली हूँ जो कि पैसिव विदाउट द डोर और एजेंट ये है हम लोग का आज का टॉपिक वॉइस चेंज में इसको हम लोग को डिस्कस करना है तो कभी कभी पैसिव वॉइस में जो डोर uh, या एजेंट रहता है उसका देखना uh, मतलब नहीं रहता है। वो ऑब्जेक्ट गायब रहता है जैसे कि हम एक सेंटेंस देते हैं द डियर वाज स्टरडे ये एक सेंटेंस है ओके okay? और इसमें देखो इसमें देखिए कि डियर है सब्जेक्ट वर्ब हो गया किल्ड यस्टरडे हो गया एक क, क, इसको क्या बोलता है जो लास्ट पार्ट जो रहता है दैट ठीक है लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहीं भी नहीं है डियर किल्ड डियर मारा गया किसके द्वारा ओके नो ऑब्जेक्ट तो इस तरह के सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं पैसिव विदाउट द डियो और एजेंट सिंस यहां पर वास किल्ड लिखा हुआ है ओके यहाँ पे वास किल्ड है तो इसलिए समझ में ही आ जा रही है पैसि फॉर्म में है तो ऐसा ही सेंटेंस रहता है जब ऑब्जेक्ट uh, नहीं पता चलता है तो उसको हम लोग पैसि विदाउट द डोर और द एजेंट बोलते हैं ओके तो अगर इसका हम लोग ये तो पैसे में पता चलेगा अगर इसका हम लोग एक्टिव देखने जाए तो कैसा रहेगा तो कुछ ऐसा रह सकता है कि किल्ड द डीयर यस्टरडे ऐसा रहेगा ये हम लोग का एक्टिव फॉर्म में है यहाँ पर जो समवन है यानी कि कोई एक जन डियर को मार के चला गया कोई एक जन वी डोंट नो द नेम तो इसीलिए जब इसको हम लोग इस साइड में करते हैं ऑब्जेक्ट के घर में ले जाते हैं तो उस समय इसको लिखना जरूरी नहीं रहता है इसीलिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है और इसका चेंज भी कुछ इजीली हो ही जाता है यहाँ पे और एक सेंटेंस uh, है द ब्रिज वाज बिल्ट इन 1961 तो ब्रिज जो है बनाया गया इन 1961 तो कोई बनाया होगा कोई एक इंजीनियर ने बनाया होगा इसे ओके okay. तो इसी तरह अगर हम लोग इसका आ, एक्टिव करने जाए तो पैसिव मैं समझ में ही आ रहा है इससे अगर इसको हम एक्टिव करने जाए तो क्या होगा इंजीनियर और सम इंजीनियर्स बिल्ट द ब्रिज इन नाइनटीन हंड्रेड सिक्सटी वन ओके दिस इज द पैसिव फॉर्म कुछ कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तो उसका पैसिव फॉर्म हम लोग कुछ इस तरह ही चेंज करेंगे सिर्फ सब्जेक्ट आ जाएगा जो ऑब्जेक्ट में जो कोई भी ऑब्जेक्ट रहता उसको भी है उसको सिर्फ सब्जेक्ट में भेज देते हैं और समूह को लिखना उतना जरूरी है नहीं तो जो कॉम्प्लीमेंट रहेगा हम लोग का उसी को उतार के हो गया इसका एक्टिव टू पैसिव चेंज जब इस सेंटेंस को हम लोग जो ये एक्टिव में है इसको जब हम लोग पैसिव में चेंज कर देते हैं उस समय जो है ऑब्जेक्ट नहीं रहता है ठीक है और जब हम लोग इसको किसी भी ऑब्जेक्ट को मतलब सब्जेक्ट में ले जाते हैं तो उस समय किसको प्रधानता देते हैं किसको हम लोग प्रायोरिटी देते हैं वो है हम लोग का द डियर ठीक है यह ऑब्जेक्ट हम लोग का इसको हम लोग एज अ सब्जेक्ट इसको प्रायोरिटी दे रहे हैं और इसको द डियर किल्ड वाज किल्ड यस्टरडे ओके यहाँ पे ऐसा सेंटेंस है मोस्टली जो है पैसिव करते समय जो उसका ऑब्जेक्ट रहता है वो मिसिंग रहता है और दो सेंटेंसेस है उसको भी देख लीजिए आप लोगों का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा माई पॉकेट हैज बीन पिक्ड ओके है मतलब मेरा पॉकेट जो है चुरा लिया गया यह उसमें से मतलब उसका पॉकेट मार हो गया है नेक्स्ट सेंटेंस है कॉफी विल बी सर्वड सून अभी थोड़ी देर में ही कॉफ़ी जो है सर्व किया जाएगा तो कौन सर्व कर रहा है सम वन कोई एक जन आएगा और कॉफ़ी देखा जाएगा तो यहाँ पे पहले ही हम बोल दिया कि ऑब्जेक्ट जो है मिसिंग है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट को जो एक्टिव में रहता है मान लीजिए जिसका अगर हम एक्टिव बनाने जाए तो सम वन ज़्यादातर जब ऑब्जेक्ट मिसिंग रहता है तो उसका एक्टिव जो है सम वन करके ही होता है क्योंकि कोई ठीक है या फिर यू भी हो सकता है सम वन और यू सम वन विल र्व द कॉफ़ी सुन ओके तो यहाँ पर क्या है यह जो ऑब्जेक्ट है इसको प्रायोरिटी दिया जा रहा है प्रायोरिटी देकर इसको क्या कर रहा है सब्जेक्ट में बदल दे रहा है बट इसको जो है मिस कर दे रहा है इसको हटा दे रहा है लैक कर दे रहा है तो इसका एज यूजल यहाँ पर लिखने क्यों जाए हम एज यूजल ये बन जाता है द कॉफी विल बी शर्व सुन ओके नेक्स्ट टॉपिक है वॉइस ऑफ वेरियस टेंसेस ओके तो अकॉर्डिंग टू टेंस कॉर्डिंग टू टेंस एक्टिव वॉइस में जो वम रहता है टेंस का फॉर्म रहता है एक्टिव वॉइस में वो टोटल कितना हो forms होता है ट्वेल्व फॉर्म्स होते हैं ओके और पैसिव वॉयस में अगर हम लोग देखने जाए तो वो टोटल एट फॉर्म्स होते हैं ठीक है यानी कि आज की इस वीडियो में हम लोग सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल फ्यूचर इन सभी टेंसेस वाले सेंटेंसेस से रिलेटेड एक्टिव वॉइस को कैसे पैसे में चेंज करता है वो सीखेंगे तो सबसे पहला है हम लोग का सिंपल प्रेजेंट द फर्स्ट वन इज सिंपल प्रेजेंट तो एज इज वन सिंपल प्रेजेंट मतलब होता है जो वर्तमान जो प्रेजेंट बताया जा रहा है ठीक है इसका वर्ड ऑर्डर क्या है वर्ड ऑर्डर पता रहने से हम लोग इजीली एक्टिव से पैसिव में चेंज कर देते हैं तो एक्टिव में है एक्टिव में कैसा फॉर्म रहेगा सब्जेक्ट प्लस ऑर्डिनरी वर्ब। ऑर्डिनरी वर्ब क्यों कहा जा रहा है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे कोई उतना ज़्यादा आई एन जी या ई एस ई एस, एस ऐसा लगा हुआ नहीं रहेगा बस ओनली एक सिंपल जैसे कि इट आई ईट ओके इस तरह से ऑर्डिनरी वर्ब रहेगा तो इसको अगर हम लोग पैसिव में चेंज करना चाहे तो उस समय क्या होगा सब्जेक्ट वर्ब प्रेजेंट का जो रहता है वी वर्ब वो क्या होता है एम इज आर अगर आप लोगों को वी वर्ब का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से जानना है तो मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन में लिंक दे दूंगी क्योंकि इसके प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने वी वर्ब को बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है तो अब देखते हैं सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस पास्ट पार्टी सिपल ओके तो ये रहा एक्टिव में स्ट्रक्चर इसका और ये रहा इसका स्ट्रक्चर इन द पैसिव यहां पे एम इज आर क्यों लग रहा है क्योंकि प्रेजेंट टेंस का जो भी वर्ब होता है वो एम इज आर ही होता है ठीक है प्लस पास्ट पार्टिसिपल तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल देखेंगे तो आइडिया क्लियर हो जाएगा आई इट मैंगो यह एक सेंटेंस है जो कि पूरी तरह पता चला ये एक्टिव सॉरी एक्टिव वॉइस में है ठीक है तो इसको पैसे में कैसे चेंज करेंगे अ मैंगो इज पास्ट पार्टिसिपल ऑफ इट इटन बाई मी ओके okay? कुछ इस तरह चेंज होगा ये रहा सब्जेक्ट ये रहा ऑर्डिनरी वर्ब और ये रहा हम लोग का ऑब्जेक्ट तो एज इस मैंगो इधर आ जाता है ठीक है ईट है तो इसका व क्या बोलते हैं एम इज आर में से कोई एक ठू बैठाना होगा तो मैंगो के साथ ईज लगता है प्लस इट एन बाई मी ठीक है यहाँ पर जो ईज है क्योंकि ये जो मैंगो है ये सिंगुलर है ठीक है इसलिए यहाँ पे ईज लगा अगर प्लूरल रहता तो आर लग जाता आई के साथ तो पता ही है हमेशा एम लगता है एक और एग्जाम्पल है एग्जाम्पल टू यू डू नॉट गिव हिम उसे मत दो ओके तो ये तो समझ में ही आ रहा है कि ये प्रेजेंट में है क्योंकि यहां पे देखो डू है और डू जो है एक आ, क्या बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब है किसका प्रेजेंट का ठीक है डू जो है एक हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट प्रेजेंट में डू लिखते हैं प्रेजेंट टेंस का तो यू डू नॉट गिव हिम तो इसका चेंज क्या हो जा रहा है ही इज नॉट गिवन बाय यू यहाँ पे सिर्फ एक्स्ट्रा एक चीज था वो है नॉट ठीक है नॉट हुआ था अच्छा नॉट जो है यहाँ पे आगे में डू लग गया राइट right? तो इसका मतलब ये नहीं डू मतलब करना होता तो इसका मतलब ये नहीं कि डू को हम लोग मेन वर्ब मान मेन वर्ब हम लोग का गिव है ओके मेन वर्ब गिव है नॉट के साथ सिंपल uh, प्रेजेंट में सिंपल प्रेजेंट का जो सेंटेंस रहता है ठीक है उसमें हम लोग डू do, डज का यूज कब कब करते हैं पहला कंडीशन तो ये है कि जब भी नेगेटिव बनाना रहता है तब कोई भी सेंटेंस नेगेटिव रहता है तब दूसरा यह है कि इंटेरोगेटिव बनाना रहता है या फिर क्वेश्चन जो बोल लो क्वेश्चन वाला सेंटेंस बनाया रहता है उसमें हम लोग डू या डस का यूज़ करते हैं ठीक है और नेगेटिव बनाना तो यहाँ पर नेगेटिव बना तो यहाँ पर यू डू नॉट गिव हिम किसमें सिंपल प्रेजेंट वाले uh, कोई भी सेंटेंसेस में इसका हम पिछले पेज uh, में जो बताए थे उसमें सिंपल प्रेजेंट का एफर्मेटिव था यानी कि uh, हाँ सकारात्मक सेंटेंसेस उसमें हम लोग को डू लगाने का कोई जरूरत नहीं पड़ा डायरेक्ट सब्जेक्ट मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट और फिर उसका चेंज लेकिन यहाँ पे डू लग गया नॉट लग गया क्योंकि नेगेटिव बनाते समय डू या नॉट लगता है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक और सेंटेंस देख लीजिए ही गिव्स हर ए पेन वो उसे एक पेन देती है तो यहां पॉइंट एक पॉइंट नोट करने वाला है कि ये जो हर है राइट right? और ए पेन है ये दोनों का दोनों ही ऑब्जेक्ट है ठीक है तो इन दोनों से हम लोग एक एक सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं या तो पेन लेकर और या तो हर को सी करके तो पहले पेन लेकर करते हैं इसको चेंज करते हैं ए पेन इज गिवन हर बाय हिम ओके ये हो रहा पैसिव इसका इजीली इसका चेंज हो गया यहां पे एस लगा ही के साथ एस क्यों ये तो पता ही होगा क्योंकि ही जो है सिंगुलर है ही जो है एक सिंगुलर फॉर्म है साथ ही साथ ये जो है थर्ड पर्सन है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग क्या लगाते हैं हमेशा एस लगाते हैं या यस लगाते हैं हो गया तो हर ए पेन ए पेन इज गिवन बाई गिवन हर बाई हिम अब अब अगर हम लोग हर से बनाए तो इससे भी बन सकता है क्योंकि दो दो ऑब्जेक्ट है हम लोग के पास दो दो ऑप्शन है दो दो ठो सेंटेंस बनाने का लेकिन एग्जाम में इन दोनों में से कोई एक ठो ही लिखना है हम इसके पहले भी एक ठो वीडियो अपलोड किए हैं जिसमें मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब डिस्क्राइब किया साथ ही साथ इसका कॉन्सेप्ट को भी बताया है तो अगर आप लोग उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाके देख लें तो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा तो इसका चेंज करते हैं सी इज़ गिवन अ पेन बाई हिम ठीक है या तो ये सेंटेंस या तो ये सेंटेंस दोनों ही करेक्ट है क्योंकि दो ठो ऑब्जेक्ट है तो दो ठो ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट बना करके एक एक फॉर्म जो है पैसिव में कर दिए हैं अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स कर लो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट्स कर लो कि सिंपल प्रेजेंट में सिंपल प्रेजेंट में ठीक है हमेशा पैसिव वॉइस बनाते समय जब भी हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे ये पॉइंट है जो कि नोट करना चाहिए अधिकतर जन इन सब में जो है मिस्टेक्स मिस्टेक करते हैं तो पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब का जो मेन वर्ब रहता है उसका हमेशा पास्ट पार्टिसिपल यूज करना है ठीक है नॉट द वी टू कोई कोई वर्ड्स uh, रहता है जिसका हम लोग को वी टू लगता है कि पास्ट पार्टिसिपल ही है ठीक है बट वो हम लोग को यूज नहीं करना बल्कि पास्ट पार्टिसिपल यूज करना जो कि वी थ्री कहलाता है ओके मेन वर्ब का और एक बात है कि जो टू बी वर्ब रहता है टू बी वर्ब यानी कि टू बी वर्ब का कुछ एक, बता देते हैं हम कैसे हैं टू बी वर्ब यानी कि एम इज आर ठीक है चूंकि यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट है तो एम ही जारी होगा टू बी वर्ब इन सबको कहते हैं राइट तो ये जो है टू बी वर्ब ये जो है सब्जेक्ट के अनुसार बैठता है ठीक है देखा जाता है कि सब्जेक्ट क्या है ठीक है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट टू वी वर्ब जो बैठेगा वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट बैठना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है सब्जेक्ट अगर राम है ठीक है तो यहाँ पे इज बैठेगा एज यूजल ठीक है सब्जेक्ट अगर दे है तो यहाँ पे आर बैठेगा वी है तो आर बैठेगा आई है तो एम आएगा ठीक है ये सब तो बेसिक से कॉन्सेप्ट है ये तो पता ही होगा आप लोगों को यू के साथ आर ठीक है तो यही है कि सब्जेक्ट को देखो तब जो है टू बी वर्ब को बैठाओ नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है वॉइस चेंज में सिंपल पास्ट ओके कोई भी सेंटेंस अगर सिंपल पास्ट में है तो उसके एक्टिव वॉइस को पैसिव में कैसे चेंज करेंगे तो एज यूज वर्ड ऑर्डर होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है ताकि हम लोग कॉन्सेप्ट को ईजीली ले सकें तो एक्टिव में कैसा रहेगा एक्टिव में सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा एक सब्जेक्ट प्लस ऑर्डिनरी वर्ब, ठीक है ऑर्डिनरी वर्ब, गया अगर इस, इसी को हम लोग पैसे में चेंज करें तो उस समय इसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस पास्ट पार्टिसिपल राइट ठीक है ये में रह ये रहा पैसिव में अब इसके बाद हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री या फिर ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं नो प्रॉब्लम ठीक है बट मेन चीज क्या है फोकस्ड सब्जेक्ट प्लस ऑर्डिनरी वर्ब नीचे में सब्जेक्ट प्लस वाज़ वेयर प्लस पास्ट पार्टिसिपल वाज़ वेयर क्यों है बताई दिए हैं क्योंकि पास्ट का जो है टू वी वर्ब वेयर होता है कुछ एग्जाम्पल देख लो देख लीजिए ही रोट ए लेटर ठीक है तो ही तो सब्जेक्ट हो गया हम लोग का समझ में आ रहा है रोट हो गया वी टू यानी कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म ए लेटर हो गया हम लोग का ऑब्जेक्ट राइट right? अब इसको क्या करना हम लोगों पैसे में चेंज करना है बहुत ही सिंपल अ लेटर वाज रिटन बाय हिम हो गया वाज है क्योंकि जो पा, पास का टू भी वब होता है वो या वेयर लगता है तो ही के साथ वाज लगना चाहिए और यहाँ पे क्या लग रहा है ए लेटर के साथ वाज लग रहा है ठीक है नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग का है नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर देखे तो एग्जाम्पल टू जो की है डिड सी बाई अ हॉर्स ओके दिस क्वेश्चन क्वेश्चन में है और इसको सबसे पहले देखिए ये जो है हेल्पिंग वर्ब है इसको समझ में आ रहा है ये पास्ट में डिड है ना डू या डज हम पहले ही बता दिए थे इससे पहले वाले वीडियो में अगर आप लोग पसंद करें तो उसको जाके देखिएगा और कॉन्सेप्ट uh, बहुत ही ज्यादा सच में क्लियर हो जाएगा ये प्रेजेंट है पहले ही बता दिए थे और ये रहा हम लोग का पास्ट इसमें क्या है डिड ठीक है इसका चेंज डिड हो जाता है तो हम पहले बताया है कि इन दोनों का यूज हम लोग किस लिए करते हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने में तो उसी तरह इसका भी यूज हम लोग नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने बना तो यहाँ पर तो इंट्रोगेटिव बन रहा है यानी कि क्वेश्चन वाला सेंटेंस बन रहा है डिड सी बाई अ हॉर्स अधिकतर स्टूडेंट्स का मिस्टेक्स यहीं पे होता है कि इसका चेंज पहले कर लेता हैं ना वाज बाय हर ओके दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन इन द पैसिव फॉर्म ठीक है वाज आगे चला गया है ना अगर ये सिंपल सेंटेंस में रहता तो क्या क्या लिखते हैं हम लोग उस समय ए हॉर्स ना ये रहा सिंपल में है ना फुल स्टॉप वाला बट अगर हम लोग इसको इंटरोगेटिव में करना है तो एजल वाज को आगे कर देते तो क्या हो जाएगा वाज हॉर्स इसके बाद जो भी कुछ लिखना है ठीक है चूंकि ये क्वेश्चन है इसीलिए राइट ये वाला से, आ, सेंटेंस सिंपल स्टेटमेंट अब सिंपल पास्ट के डब्ल्यू एच क्वेश्चन का एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं एग्जाम्पल थ्री वाई डिड ही गिव मी अ पेन ओके तो ये थोड़ा तो एक्टिव में सिंपल पास्ट है इसको क्या करना है पैसे में चेंज करना है वाई वाज अ पेन गिवन मी बाई हिम ओके वाई वाज अ पेन गिवन मी बाई हिम ठीक है

कि सिंपल पास्ट में जो पैसिव वॉइस का वर्ब रहेगा वो हमेशा हम लोग पास्ट पार्टिसिपल में रखेंगे ठीक है हम लोग जो पैसिव वॉइस करते समय जो वर्ब का यूज करते हैं मेन वर्ब का ये हमेशा किस में रहेगा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में ओके okay? और टू बी वर्ब कौन कौन है सिंपल पास्ट में टू बी वर्ब कौन कौन होता है वास या वेयर होता है और ये किसके अकॉर्डिंग बैठेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ठीक है सब्जेक्ट अकॉर्डिंग जो है टू बी बैठेगा, वाज बैठेगा कि वेयर बैठेगा तो वास तो सिंपल है कोई भी सिंगुलर अगर नाउन रहता है या सब्जेक्ट रहता है उसके साथ और वेयर तो सिंपल है कि कोई भी प्लूरल नाउन रहता है तो या सब्जेक्ट okay? और यहां पे प्रोनाउन भी हो सकता है प्रोनाउन भी रह सकता है सिंगुलर और प्लूरल का फॉर्म कैसे करना है इसका भी बहुत अच्छा कंटेंट लेकर मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है आप लोग आई बटन या डिस्क्रिप्शन लिंक में उसे देख सकते हैं अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में आ, जो कि नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का सिंपल फ्यूचर दिस इज द सिंपल फ्यूचर फ्यूचर से ही समझ में आ रहा है कि इसमें पास्ट नहीं ना कि प्रेजेंट बल्कि ये फ्यूचर यानी कि क्या होने वाला है भविष्य दैट वन ओके भविष्यकाल होता है सिंपल वर्ड तो इसका वर्ड ऑर्डर एज यूजल देख लेते हैं हम लोग एक्टिव में रहेगा कोई सेंटेंस एक्टिव में तो उसको कैसे चेंज करेंगे सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस इन्फिनेटिव ठीक है और अगर पैसिव में उसको चेंज करना तो उसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा स्ट्रक्चर पता रखना है ना स्ट्रक्चर से ही हम लोग पकड़ लेते हैं कि कैसा टेंस है सिंपल प्रसिचर है कि सिंपल पास्ट है या क्या है इसलिए वर्ड ऑर्डर को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में रख रखेंगे अगर हम लोग तो एक दो बार पढ़ने से ही हम लोग का कॉन्सेप्ट ईजीली क्लियर हो जाएगा ठीक है पास्ट पार्टी सिपल ओके एक्टिव में क्या रहेगा सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस इन्फिनेटिव पैसिव में क्या रहेगा सब्जेक्ट प्लस सेल बी या विल बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल इस वर्ड ऑर्डर में एक टर्म आया था क्या है वो टर्म इंफिनेटिव ठीक है तो इन्फिनेटिव होता क्या है ठीक है इन्फिनेटिव मीन्स जैसे कुछ वर्ब्स टू रीड टू इट टू जंप एक्सेट्रा ठीक है यानी कि टू के बाद एक वर्ब टू के बाद एक वर्ब बट इन वी वन के बाद कभी भी कोई भी वर्ब का फॉर्म होता है वो यानी कि के तो ऐसे ही कुछ टू प्लस वर्गाम्पल रहता है इन हम हम लोग लोग कहते हैं ये तो दिख तो दिख रहा है की की तरह बट इसको हम की तरह इसको यूज नहीं करते किसी भी सेंटेंस में बल्कि ऑब्जेक्ट सॉरी बल्कि नाउन एडजेक्टिव या एडवर्ब के रूप में यूज करता है जैसे कि एग्जाम्पल एक्जा, देखते हैं इन्फिनेटिव के बेसिस पे आई नीड टू स्लिप ठीक है तो यहाँ पे मेन वर्ब ये रहा ये रहा हम लोग का सब्जेक्ट और ये का है क्या है नीड टू स्लीप ये हम लोग का जो कॉम्प्लीमेंट जो अदर्स रहता है वो बट ये ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्ट वही वह चीज होगा जो कि कोई भी नाउन या प्रोनाउन है ठीक है तो ये रहा टू स्लीप आई नीड टू स्लीप और एक एग्जाम्पल है एग्जाम्पल टू आई नीड टू ठीक है यहां पे भी ऐसे ये रहा ये रहा आ, सब्जेक्ट और ये रहा हम लोग का जो अदर्स है ठीक है यहाँ पे हम लोग इसको भी हम लोग वर्ब के हिसाब से नहीं यूज कर सकते ये नाउन एडजेक्टिव या एडवर्ब के हिसाब से यूज होगा तो ये तो रहा इन्फिनेटिव का टॉपिक अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कुछ एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू द सिंपल फ्यूचर इन एक्टिव वर्स एग्जाम्पल वन क्या है सी विल राइट अ लेटर ठीक है यहां से क्लियर हो रहा है कि दिस इज इन सिंपल फ्यूचर टेंस ओके तो स्ट्रक्चर पूरी तरह से मैच कर रहा है एक्टिव वर्स का तो इसको पैसे में कैसे चेंज कर लेंगे अ लेटर विल बी रिटेन बाई हर ओके ऐसा स्ट्रक्चर था पीछे में विल के बाद बी वी का थर्ड फॉर्म पास पार्ट पार्टिसिपल ठीक है बाई हर ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई शैल नॉट राइट दिस लेटर ठीक है नेक्स्ट है क्या हो जाएगा इसका फिर दिस लेटर नॉट बी रिटर्न बाय मी ओके यहाँ पर जो दिस लेटर इसके साथ विल लग गया लेकिन आई के साथ सेल लगा था क्यों क्योंकि आई जो है फर्स्ट पर्सन है वैसे भी आई के साथ सेल ही लगता है बट किसी भी थर्ड पर्सन के साथ ये दिस लेटर जो है वो एक थर्ड पर्सन है इसके साथ हमेशा विल ही लगता है ओके okay. तो विल नॉट बी रिटर्न बाई मी एक तो हो गया ये अफर्मेटिव सकारात्मक so, सेंटेंस का एग्जाम्पल दूसरा हो गया नेगेटिव का और एक तो दे देते हैं क्वेश्चन वाला इंटरोगेटिव वाला एग्जाम्पल दे देते हैं एग्जाम्पल है विल दे राइट अ लेटर ओके तो इसका चेंज क्या होगा विल अ लेटर बी रिटन बाई देम ओके डे का ऑब्जेक्ट में क्या हो जाता है देम अ लेटर के साथ विल लगेगा तो इसका विल जो आगे चलेगा क्योंकि दिस इज इन क्वेश्चन हम पहले बता चुके हैं विल के साथ बी वर्फ का थर्ड फॉर्म बाय देम ओके अच्छा तो फिर सिंपल फ्यूचर में भी कुछ बातें याद रखने वाली है कि यहाँ पे जब पैसिव वॉइस बनाएंगे पैसिव वॉइस बनाते समय पैसिव वॉइस जब भी हम लोग बनाएंगे तो उस समय क्या करेंगे वर्व का हम लोग पास्ट पार्टिसिपल वाला फॉर्म जो है वो यूज करेंगे ओके? Okay? और जो टू बी वर्ब है साथ ही साथ दूसरा पॉइंट क्या है दूसरा पॉइंट हम लोग का ये है कि जो टू वी टू बी वर्ब का उसका जो हम लोग है इन्फिनेटिव वाला फॉर्म यूज करेंगे ओके okay? इन्फिनेटिव क्या होता है हम तो बता ही देफिनेटिव वाला फॉर्म कैसा होता है मैंने क्लियर कर दिया है और शैल या विल जो होता है सेल यू विल एज यूजल हम लोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यूज़ करेंगे ओके okay? तो ये कुछ बातें ये कुछ तीन पॉइंट्स हैं जो हम लोग को याद रखना है और सिंपल फ्यूचर बनाने के लिए तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं प्रेजेंट परफेक्ट या पास परफेक्ट इन दोनों में से या इन दोनों को रिलेटेड ही क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे फ्यूचर परफेक्ट भी उसमें आ जाएगा तो मैं चैनल को सब्सक्राइब करूँ ताकि जो भी नए नए वीडियोस के अपडेट हो आपके पास आते रहे और साथ ही साथ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग